Good morning, students. Today our topic is antipsychotic drugs. Before we start antipsychotic drugs, we discuss the classification of psychotropic drugs, because the antipsychotic drug is the part of psychotropic drugs. Psychotropic drug ka ek part hai antipsychotic drug. Aur psychotropic drugs ke andar basically antipsychotic drugs aati hai, then antidepressant drugs aati hai, then mood stabilizing drugs aati hai, next anxiolytics aati hai, then anti epileptic drugs iske andar part play karti hai, then anti parkinsonism drugs and some are miscellaneous drugs. So this is the psychotropic drugs. Now we start first of all the first part of the psychotropic drug. First part is antipsychotic drugs. What is antipsychotic drug indication? Its side effects, its dosage, nursing responsibility. In sab ke bare mein apan detail mein discuss karenge. So first of all, we are seeing that what is antipsychotic drugs. Basically, antipsychotic drugs is the part of psychotropic drugs. These are also known as D2 receptor blockers. इनको D2 receptor blocker नाम से भी जाना जाता है, because ये जो D2 receptor होता है mid brain के अंदर, उसको block करने का काम करती है. तो इसीलिए इनको बोलते हैं D2 receptor blocker. Then cannot cure but mild the symptoms. ये जो antipsychotic drugs हैं, ये जो डिजीज है, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, उनको कम्प्लीटली क्योर तो नहीं करता, बट जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं उनको माइल्डर जरूर कर देता है, उनको माइल्ड जरूर कर देता है. और बेसिकली जो एपिसोड की जो लेंथ होती है, फॉर एग्जांपल कोई एपिसोड है जैसे सिजोफ्रेनिया का, वो 1 ईयर के लिए है, तो उसको मिनिमाइज कर देती है 6 मंथ या 8 मंथ के अंदर उस एपिसोड को ख़त्म कर देती है. सो ये जो सीवियर सिम्टम्स हैं उनको माइल्ड कर देती है, देन जो एपिसोड्स की लेंथ है उसको भी कम कर देती है. सो दिस इज द एंटी साइकोटिक ड्रग्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स और बेसिकली यूज इन एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग्स. सिजोफ्रेनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटी साइकोटिक ड्रग्स है जो काम में ली जाती हैं. सबसे पहले 1950 के अंदर, 1950s के अंदर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं इनका इनोवेशन हुआ. अब जब इनका इनोवेशन हुआ 1950s के अंदर, तो जो ड्रग्स आई उनके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स थे, जो उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी. तो इसीलिए 1990s के अंदर फिर दोबारा इसके अंदर अपडेट हुआ, दोबारा रिसर्चर ने रिसर्च किया, और इसके अंदर जो ये पहले काम में आती थी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट करके इनके साइड इफेक्ट्स हैं उनको काफ़ी मात्रा के अंदर कम कर दिया गया. सो नाउ ए डेज जो काफ़ी ज़्यादा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, जो सिजोफ्रेनिया वगैरह, क्लोजापाइन लाइक, ये काम में ली जाती है, जो अपन आगे क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं किन किन डिजीज पार्ट के अंदर काम में ली जाती है बेसिकली. सो बेसिकली इट्स यूज इन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर काम में ली जाती है. ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो गए? डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गए. तो सो दीज आर द ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, डिलीरियम, देन डिमेंशिया, देन फंक्शनल डिसऑर्डर. फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंदर आ गया फॉर एग्जाम्पल स्किजोफ्रेनिया. तो स्किजोफ्रेनिया है, ये आ गया फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंदर. देन मूड डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर के अंदर आ गया मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर, यूनिपोलर, ये सब आ गए मूड डिसऑर्डर्स के अंदर. देन चाइल्डहुड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के अंदर आ गया लाइक ऑटिज्म,
ये आ गए चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के अंदर, देन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक एंजाइटी वगैरह सब ये आ गए, फोबिया ये सब आ गए न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। देन कुछ ऐसे मेडिकल डिसऑर्डर्स भी है जिनके अंदर भी जो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो काम में ली जाती है, लाइक हंटिंगटन, कोरा एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, टिक डिसऑर्डर, इनके अंदर बेसिकली ये जो ये मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं इनके अंदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है बेसिकली काम में ली जाती है। सो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, देन फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, देन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स एंड मेडिकल डिसऑर्डर। नाउ क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है वो किस तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, किस तरह से इलिमिनेट होती है, कितनी उनकी हाफ लाइफ होती है, और जो थेरापिटिक विंडो है वो इनकी कैसी होती है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक। सो बेसिकली फार्माकाइनेटिक के अंदर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है बेसिकली एडमिनिस्टर्ड ओरली इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, देन दीज आर एब्जॉर्ब इन द GI ट्रैक ऑफ द ह्यूमन बींग, देन GI ट्रैक में आने के बाद में ये बाउंड विद द प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ और प्लाज्मा के साथ बाइंड अप हो जाती है, और इसकी ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है तुलना में जो प्लाज्मा के साथ ये बाइंड अप होती है। देन मेटाबोलाइज इन द लीवर, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होती है, देन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी के द्वारा इनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नाउ द हाफ लाइफ ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इन बिटवीन द 10 to 24 आवर्स के बीच में जो हाफ लाइफ ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की होती है वो 10 to 24 आवर्स के बीच में वेरी करती है। अब हाफ लाइफ क्या होती है, बेसिकली हाफ लाइफ का अर्थ होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर हाफ क्वांटिटी के अंदर हाफ लेवल ऑफ द ड्रग जब इलिमिनेट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिमूव हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ये हाफ लाइफ है। देन इन थेरापूटिक विंडो, जो ये बेसिक सम ऑफ द बेसिकली सम ऑफ द मेडिसिन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर इन थेरापूटिक विंडो। अब बेसिकली थेरापूटिक विंडो क्या होती है, थेरापूटिक विंडो का सिंपली मीनिंग है को जो ड्रग का है वो इफेक्ट किस डोज के अंदर आ रहा है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा अगर डोज हो गई तो ओवर यूज साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और लेस अगर हो गई तो उसके इफेक्ट नहीं आएंगे, तो ये इसका थेरापूटिक इफेक्ट है, ये इन विंडो ही है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बेसिक स्टेप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का वो है EPS, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसको अपन EPS के रूप में अपन ने इसको डिनोट किया, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। फिर एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स को फर्दर डिवाइड किया है, इसके अंदर किस किस तरह के फीचर्स देखे जाते हैं, सो बेसिकली उनको सबको डिटेल के अंदर देखेंगे अपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन EPS एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स इज न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, देन अक्यूट डिस्टोनिया, देन एकथीसिया, देन ट्रेडिव डिस्काइनेसिया, देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, देन ऑटोनोमिक साइड इफेक्ट। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अब इनको अपन डिटेल के अंदर देखते हैं एंटीसाइकोटिक्स के, जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा उसके अंदर जो अपने को मिला कौन सा, न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। सो इसके बेसिक फीचर्स होते हैं लाइक रेजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट्स का स्लो हो जाना, देन ड्रॉलिंग,
then akathisia, akinesia, ataxia, और इसका ट्रीटमेंट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो ये जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं लाइक रिजिडिटी, ट्रेमर्स, ब्रैडीकाइनेसिया, ऑफ दीज सिम्टम्स ट्रीटमेंट ट्रीटेड बाय द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली ड्रॉलिंग का अर्थ होता है कि लार वगैरह टपकना, पेशेंट की जो लार वगैरह टपकती रहती है। देन एकाइनेसिया का मतलब होता है वॉलेंट्री जो मसल्स हैं उनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जो जैसे ये हाथ है इसका मूवमेंट वॉलेंट्री है, तो ये जो वॉलेंट्री मसल्स है इनका मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। देन अटैक्सिया का मतलब हो जाता है अनकोऑर्डिनेटेड इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। नाउ सेकेंड साइड इफेक्ट इज द अक्यूट डिस्टोनिया। अक्यूट डिस्टोनिया इज द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज का इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन हो जाना, लाइक फॉर एग्जाम्पल गर्दन का ऐसे इस तरह से टेढ़ा हो जाना, या अपर एक्सट्रीमिटीज में किसी भी पार्ट का इनवॉलेंट्री मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और पेशेंट के कंट्रोल में ना रहना। और दीज सिम्टम्स आर क्योर बाय द एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिनर्जिक, देन डोपामिन एगोनिस्ट, इनके थ्रू इनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट एकथीसिया। एकथीसिया इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। दिस इज द मस्कुलर डिस्कम्फर्ट। एकथीसिया बेसिकली मस्कुलर डिस्कम्फर्ट होता है और ट्रीटेड बाई प्रोपेनोलॉल और बेंजोडाइजपिन और प्रोपेनोलॉल के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। देन ट्रेडिव डिस्काइनेसिया। ट्रेडिव डिस्काइनेसिया इज द रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं उनका बार बार रिपीट होना, जैसे पलकों का बार बार झपकना, ग्रिमिसिंग मतलब मुंह का ऐसे ग्रिमेसी फेशियल अपीयरेंस देना। सो दीज आर द ट्रेडिव डिस्काइनेसिया। नाउ द न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, जो कई ये बहुत ज़्यादा रेयर सिंड्रोम है न्यूरोलेप्टिक मेलिग्नेंट सिंड्रोम, बट कुछ पेशेंट के अंदर ये साइड इफेक्ट है जो एंटीसाइकोटिक्स का देखा जाता है। इसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स और ग्रुप ऑफ मतलब मेलिग्नेंट सेल्स अपीयर हो जाती है। देन ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट। ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स आर बेसिकली द ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, साइक्लोप्जिया। साइक्लोप्जिया मतलब पैरालिसिस ऑफ द सीलियरी मसल्स, जो आँख के अंदर जो जो लेंस है उस लेंस को जो एडजस्ट करने के अंदर जो मसल्स काम में आती है वो होती है सीलियरी मसल्स, और सीलियरी मसल्स का बेसिकली साइक्लोप्जिया के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, तो एकोमोडेशन सही से नहीं कर पाती जो आईज है, इसी फीचर को बोलते हैं साइक्लोप्जिया। देन नेक्स्ट इज माइड्रियासिस। माइड्रियासिस नॉन एज डायलेटेड प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेट हो जाना, दिस इज नॉन एज माइड्रियासिस। देन यूरिनरी रिटेंशन, इट इज द ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इम्पोटेंसी एंड इम्पेयर्ड इजैकुलेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर अपनी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली, तो बेसिकली इज द सिप ऑफ वाटर। सिप ऑफ वाटर इसलिए क्योंकि ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी ये कॉमन साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। सो सिप ऑफ द वाटर लेने से एक तो जो ड्राइनेस है माउथ है वो कम होगी और पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। देन हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट एंड हाई लिक्विड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए भी हाई फाइबर डाइट एंड लिक्विड डाइट दी जानी चाहिए। देन चेक बीपी बाय इंटरवल, बीपी भी उसका मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिनकी चल रही है तो बीपी उनका रेगुलर मॉनिटर करना है। देन 6 आर अपने को ऑलवेज फॉलो करना है इन द नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। देन वाइटल्स, इसी के अंदर आ गए वाइटल्स हैं जो पल्स, बीपी ये सब है, टेम्परेचर ये नोट करना है टाइम टू टाइम। देन ऑब्जर्व साइड इफेक्ट्स एंड मूवमेंट्स, उसके जो पेशेंट्स के जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं लाइक ईपीएस के अंदर ये एकथीसिया वगैरह, एक्यूट डिस्काइनेसिया, ये सब जो फीचर्स हैं अपने को नोट डाउन करना है
देन मूवमेंट्स, मूवमेंट्स या मोटर मूवमेंट्स हैं, सेंसरी मूवमेंट्स हैं, कुछ भी मूवमेंट्स हैं उनको भी अपने को नोट डाउन करना है, उन सबको अपने को ऑब्जर्व करना है। देन सीजर्स के लिए प्रिकॉशन अपने को रखना है, अगर पेशेंट को सीजर्स आते हैं तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है, उसके प्रिकॉशन पहले से तैयार रखने हैं। देन कोई भी पेशेंट है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है उसको ड्राइविंग या हैवी मशीनरी के अगर ऊपर वो काम कर रहा है तो उन कामों से उसको हमेशा दूर रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैन कॉज द सेडेशन, सेडेशन कॉज करती है, इसीलिए उसको कभी भी नींद आ सकती है कहीं पर भी। तो अगर हैवी मशीनरी के ऊपर या ड्राइविंग कर रहा है तो मे बी एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। देन यूज डार्क ग्लासेस और फुल स्लीव के कपड़े उसको पहनने चाहिए, बिकॉज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो ले रहा है उसको फोटो सेंसिटिविटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसको एक डार्क कलर का गॉगल्स है देन फुल स्लीव के क्लॉथ है वो उसको अपने को प्रोवाइड करवाने हैं और उसके बारे में अपन ने उसको नॉलेज प्रोवाइड कराना है। देन क्लोजअप आई ऑफ द, अगर किसी पेशेंट के क्लोजअप आई जो चल रही एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है सो उसको एग्रैनुलोसाइटोसिस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसका जो WBC मॉनिटरिंग है वो अपने को कंटिन्यूसली रखनी है। सो दीज आर द नेसेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फ्यू ड्रग्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर लाइक क्लोजापाइन, रेस्पेरिडोन, ऑल्जापाइन, जेस्पेरिडोन एंड रेस्प्राइन, दीज आर द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंड फिनोथायाजिन एंड दीज आर द कॉमन बेसिकली यूज ड्रग्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। सो आवर टॉपिक एंटीसाइकोटिक ड्रग इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नेक्स्ट मेडिकेशंस। सो अगेन वी समराइज द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो दीज आर द पार्ट्स ऑफ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, दीज आर इन्वेंटेड 1950s, देन अपडेटेड बाय द रिसर्चर इन 1990s बाय एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। देन दिस इज नॉन एज ऑल्सो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर और कैन नॉट क्योर बट माइल्ड द सिम्टम्स। सो फ्यू इंडिकेशन ऑफ दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लाइक ऑर्गेनिक साइकेटिक डिसऑर्डर, डिलीरियम डिमेंशिया, फंक्शनल डिसऑर्डर्स लाइक सिजोफ्रेनिया, देन मूड डिसऑर्डर मेनियर डिप्रेशन, देन चाइल्डहुड डिसऑर्डर ऑटिज्म, न्यूरोलेप्टिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी फोबिया, देन मेडिकल डिसऑर्डर एंटीकिनन कोराटिक डिसऑर्डर, दीज आर सम इंडिकेशन ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नाउ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर EPS एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स, सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नाउ द नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दीज आर द नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।